लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। लेकिन मुख्यमंत्री जो सीएम अनाउंसमेंट का जो बल्लभगढ़ में जो काम हो रहा है उसमें कुछ गड़बड़ झाला जो चल रहा है उससे मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं। बल्लभगढ़ में सिटी पार्क और नारसिंह पार्क का जो कॉन्ट्रैक्ट है 1.25 करोड़ रुपए का हुआ, 1 करोड़ 20 लाख रुपए का, जिसे हुए कम से कम 8 महीने का समय हो गया है और आज वहाँ पे ये हालात हैं, बद से बदतर हालात हो गए हैं। 4 ईंट वहाँ पूरी नहीं लगी, कॉन्ट्रैक्टर को आधी से ज़्यादा पेमेंट हो चुकी है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसकी जांच कराएं और हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोग आपको इसकी 10वीं बार आके आपके पास जॉइंट कमिश्नर के पास कंप्लेन कर चुके हैं, उसके बावजूद उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। दूसरा विषय, हमारे क्षेत्र में जो मुख्य रोड है जो सीएम अनाउंसमेंट से बनाई जा रही है उसमें बल्लभगढ़ का तिगांव रोड, मौना रोड, सौपट रोड, सी गेट रोड, जिनको लगभग बने हुए 1.5 से 2 साल का पूरा समय नहीं हुआ, जिनपे रोडों में रोड की जो सीमेंट है उखड़ना शुरू हो गई है और उसके ऊपर तार को बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। कुछ सड़कें मेरे वार्ड में भी आ रही तार के बारे में सड़कों पर क्या कमीशन के साथ कार्पेटिंग कर दी। ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ आप सख्त कार्रवाई करें जिनके पास 5 साल की इसकी मेंटेनेंस का काम भी है। और एक बहुत ही संवेदनशील जो विषय है जिससे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, बल्लभगढ़ में सैंपलिंग भी फेल हुई है। जनवरी में 2018 जनवरी में एक सीवर का टेंडर हुआ 2 करोड़ 62 लाख रुपए का, 2 करोड़ 62 लाख रुपए का टेंडर हुआ वार्ड 38, 39 और 40 का। इस टेंडर की वर्क ऑर्डर की कॉपी किसी भी पार्षद को नहीं गई। जो वार्ड 38, 39 का जो सीवर का जो फ्लो है वो हमारे वार्ड में हमारे डिस्पोजल से जुड़ा हुआ है। जब हमें डिस्पोजल में दिक्कत आई इसकी हमने शिकायत करी जॉइंट कमिश्नर साहब को, तो उन्होंने बताया कि मैं ऑलरेडी आपका ठेका हो रखा, आप इसकी सफाई करवाओ। हमें उस समय जाके पता चला कि मैं 2 करोड़ 62 लाख रुपए का एक टेंडर सीएम अनाउंसमेंट से रखा है, तो मैं हम थोड़े निश्चित होंगे कि हमारा काम हो जाएगा। लेकिन 1.5 से 2 महीने के बाद 1 करोड़ 60 लाख रुपए का उन्हीं वार्डों का उसी काम का उसी ठेकेदार को फिर दोबारा से ठेका दे दिया। तो आप हमारी फाइलों पे ऑब्जेक्शन लगा दी जाती है, क्या इतने अधिकारी हैं, इतने सीनियर लोग हैं, किसी ने इस चीज को चेक नहीं किया? 3 करोड़ रुपए 1.5 महीने में कहाँ चले गए? एक गली साफ नहीं हुई बल्लभगढ़ में पंजाबी मोहल्ले में। ये नौबत है कि सारे पंजाबी मोहल्ले के लोगों ने सारी अपनी सीवर की कनेक्शन कटवा के सारी नालियों में डाल दी है, क्योंकि सीवर के मेंटेनेंस का काम हुआ पिछले 3-4 साल से कोई सफाई नहीं हुई, एक पैसे का काम नहीं हुआ। ये लगभग 4.5 करोड़ रुपए का अमाउंट है जो वार्ड 38, 39, 40 में पिछले 3 से 4 महीने में दिया गया है और 0 लेवल पे वहाँ सीवर का काम है। आपसे मेरा निवेदन है आप इसमें सीनियर टीम लगा के इसकी जांच कराएं। इस मामले की जांच जो है एसीएम के साथ से करा लेते हैं, एडिशनल कमिश्नर साहब से, और अगले हाउस की मीटिंग में इसकी रिपोर्ट वो सदन पे पेश कर दें। सर हाउस की मीटिंग 3 महीने में होगी, मेरे ख्याल थोड़ा टाइम करके जल्दी करें। रिपोर्ट तो बनाई देंगे, हाउस में भी प्रेजेंट कर देंगे। सर एक टाइम रख दिया जाए 1 महीना हमारे वार्ड का 2.5 करोड़ का कितने का था वो टेंडर हुआ 3 वार्ड का, और सीवर की सफाई कहाँ की मैंने ठेकेदार को पूछा, भैया हमें भी पूछ लिया था कहाँ ज्यादा दिक्कत है, तो नहीं हमसे पूछा गया, एनजीओ को बोला तो हमें नहीं पूछा गया। अब वार्ड की सफाई हो चुकी है, पेमेंट भी शायद रनिंग हो गई है और हमें तो कहीं पे कोई तसल्ली वक्त काम दिखा दें नहीं। हमने 1-2 बार वो जेटिंग मशीन देखी थी, उसके बाद कुछ नहीं देखा, और जो उसका मलबा निकला वो आज तक नहीं उठाया गया। लोगों ने परेशान होकर आंधी आई तूफान आए वो घरों में जा रहा था, तो उन्होंने 100-200 रुपये दे के उसको उठवाया। 3 महीने लगातार फोन करते करते एक भेड़िया आज कौन उठाएगा उसको? दूसरा एक मुद्दा और है कि आज आपने देखा होगा अखबार में फरीदाबाद की रैंक गिर गई सफाई के मामले में, वो क्यों? कि हम इतना पैसा खर्च करते हैं और कर्मचारी के पास झाड़ू नहीं है, उनके पास रिक्शे नहीं है। अब उनको हम कहते हैं कि ये पूरा नहीं उठाया तो कहते हैं कि रिक्शा ही नहीं है। मैंने कहा ये नाली नहीं निकाली तो कहते हैं निकाल के फायदा क्या है, उठाने के लिए तो है ही नहीं। तो हम लोग फ्री में तनख्वाह दे रहे हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, काम कर सकते हैं। मिशन साहब ये कल भी डिस्कस हुआ है कि वर्क ऑर्डर की कॉपी चाहे वो सीएम अनाउंसमेंट है चाहे कोई भी है, काम शुरू होने से पहले पार्षद के पास जरूर जाए, लिखा होता है लेकिन आज तक किसी काउंसलर के पास जाती नहीं है। ये इनको पता ना लग जाए। मनमोहन जी उद्घाटन की ना पता लगा कब हो जाए, काम की बात तो बहुत दूर गई। वर्क ऑर्डर की कॉपी जो सीएम काउंसलर के पास जरूर जाए, सभी को सफाई का जो काम है
साहब सीवर की सफाई का जो काम है वो एक बार हमारे साथ विजिट कर लें, एसडीओ जेई जो भी हो वो हमारे साथ विजिट कर लें कि यहाँ सफाई हो, जहाँ दिक्कत है वहाँ सफाई नहीं हुई। मेरा पूरा पंजाई वाला, एक पंजाई वाला बची हुई कॉलोनी है, सबसे पुरानी कॉलोनी है, उसकी सबसे पुरानी सीवर डली हुई है।